जी बिल्कुल, हिंदू साल के पहले दिन यानी प्रतिपदा का काफी धार्मिक महत्व है, लेकिन आचार्य जी क्या प्रतिपदा को लेकर कोई पौराणिक या ऐतिहासिक मान्यता भी प्रचलित है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर नववर्ष को भारत के अनेक प्रांतों में अलग अलग तिथियों के अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है। यह सभी महत्वपूर्ण तिथियां मार्च और अप्रैल के महीनों में ही आती हैं। इस नववर्ष को प्रत्येक प्रांत में भारत, क्योंकि विभिन्न प्रांतों और विभिन्न धर्मों का एक क्षेत्र है, तो हमारे इस भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में मार्च से अप्रैल के बीच में नए साल मनाए जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी जो उनकी अपनी धर्म परंपरा है उसके हिसाब से मनाते हैं। फिर भी पूरा देश जो है चैत्र माह में ही नववर्ष मनाता है और इसे नव संवत्सर के रूप से हम सभी जानते हैं। गुड़ी पड़वा, युगादि, विशु, वैशाखी, कश्मीरी नवरेह, चेटीचंड जो सिंधी लोग मनाते हैं, उगादि भी इसे कहते हैं, जो युगादि कहा जाता है उसी को उगादि भी बोलते हैं, चित्रे, तिरुविजा आदि सभी नामों से इस नव संवत्सर के आसपास की तिथियां ही आती हैं और इसी के आसपास से ही अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म संप्रदाय की मान्यता के लोगों का नववर्ष आरंभ हो जाता है। फाल्गुन की फुहार, रंगों की बहार जाने के बाद चैत्र माह का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का आगमन, ब्रह्मा द्वारा सृजित सृष्टि का जन्म दिवस भी माना जाता है। नव संवत्सर का बहुत ही विशेष अवसर होता है ये। भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विक्रम संवत के रूप में नए साल के तौर पर मनाया जाता है। हम सब इसे नए साल के तौर पर मनाते हैं। सही मायने में हमारा हिंदुओं का नववर्ष यही होता है। इस तिथि से पौराणिक व ऐतिहासिक दोनों प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि इसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई लोक मान्यता अवश्य होगी, तो लोक मान्यता के साथ साथ इसमें पौराणिक मान्यता भी है। आइए उसकी भी आपको जानकारी देता हूं। लोक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम और युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था। अभी देखा आपने कि हम लोगों ने थोड़े समय पहले दिवाली मनाई। दिवाली मनाने के बाद भगवान श्री राम का जो पुनः राज्याभिषेक हुआ वह इसी तिथि में हुआ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का आरंभ माना जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है, उसका भी शुरुआत हो जाता है। ब्रह्म पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, या यूं कहें कि सृष्टि की रचना की थी। उसका उल्लेख जो है अथर्ववेद तथा शतपथ ब्रह्मांड में भी बहुत विस्तार से मिलता है। सृष्टि के संचालन का दायित्व इसी दिन से सारे देवताओं ने संभाल लिया था, यानी जिसका जो जो क्षेत्र था, जिसकी जो जो जिम्मेदारी थी सृष्टि के पालन के लिए, वह ब्रह्मा जी ने सबको दे दी थी। स्मृति कौस्तुब के मतानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में विषकुंभ योग में भगवान श्री विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, धार्मिक कारण है। इतिहास साक्ष्य है कि इसी दिन मालवा के नरेश महान सम्राट श्री विक्रमादित्य जी ने शकों को पराजित करके विक्रम संवत का प्रवर्तन किया था, यानी विक्रम संवत जो हम लोग मनाते हैं वह महाराज विक्रमादित्य ने इसी तिथि से आरंभ किया था। ईरान में नौरोज का आरंभ भी इसी दिन से होता है। इसे संवत्सरारंभ का पर्याय माना जाता है, यानी इसीलिए हर प्रकार के संप्रदाय के लोग, हर धर्म और मान्यता के लोग लगभग अमूमन इसी तिथि से या इसके आसपास से ही अपने नए साल को आरंभ करते हैं। शक्ति संप्रदाय के अनुसार इसी दिन से नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। धर्मशास्त्रों में ऐसे रेफरेंसेज, ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि आप ये समझ सकें कि सतयुग भी इसी दिन से आरंभ हुआ था। इसी दिन से रात्रि की अपेक्षा जो है दिन बड़ा होने लगता है, इस कारण से भी इस पर्व को मनाते हैं।